जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे फेसबुक के सभी दोस्तों को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। आज मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे हूँ। 5 दिन चले न्यूयॉर्क के इन अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर आज मैं भारत के लिए लौट रहा हूँ। मैं भारत में जब भी प्रचार प्रसार कर रहा था या कर रहा हूँ, तब मैंने हमेशा एक बात कही है अपने भाषणों में, मैंने हमेशा एक बात कही है कि भारत की पूरी व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने हाथों में ले ली है, ब्राह्मणों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर दिया है। ये बात मैंने अपने भाषणों से हमेशा कही है। और मैंने आप लोगों ने अगर मेरे भाषण सुने होंगे, स्पीचेस सुने होंगे, तो मैंने आप लोगों को उस समय कहा था कि हम लोगों को भारत में और भारत के लोगों को अगर सुरक्षित रखना है तो हमको अपनी लड़ाई भारत के बाहर से खड़ी करनी होगी। आज मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में हूँ। मेरे सिख भाइयों ने मुझे यहाँ पर मेरी इन बातों को सुनकर मुझे समर्थन दिया और मुझे गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि न्यूयॉर्क के और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिख भाइयों ने ये फतवा निकाला है कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी कांग्रेसियों को और किसी भी भाजपाइयों को किसी भी गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और केवल अम्बेडकराइट आदमी ही उस गुरुद्वारा में आ सकता है, ऐसा एक फतवा यहाँ से निकला है। मैंने जो कहा था कि हम लोगों को भारत में जो सुरक्षा लानी है वो बाहर से लानी होगी, उसकी पहल मैंने शुरू कर दी है। आज यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यहीं पर यूनाइटेड नेशंस का, यूएनओ का मेन कार्यालय है, सेंट्रल हेडक्वार्टर है। आज मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से भारत में संविधान को धोखा है, किस तरह से डेमोक्रेटिक कंडीशन को पूरे भारत से निकाला जा रहा है और तबाह किया जा रहा है। आनंद हेगड़े की स्टेटमेंट मैंने बताई, मनोहर लाल खट्टर की स्टेटमेंट बताई, देवेंद्र फडणवीस की स्टेटमेंट बताई, और ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के, ये बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ये सारे लोग आज देश के संविधान को लेकर, देश के डेमोक्रेटिक कंडीशन को लेकर इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये बातें मैंने यहाँ पर आकर सबको बता दी है और मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद हो रहा है कि अगले यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में ये बात भारत की ओर से हम यूनाइटेड नेशन के सामने रखेंगे और किस तरह से भारत में हम लोगों को दबाया जा रहा है, भारत के संविधान को हटाने की कोशिश हो रही है और किस तरह से बाबाओं को, साधुओं को हमारे ऊपर सांसद बनाकर हम लोगों के ऊपर किस तरह से अन्याय करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है, ये बात बताने का हम लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए, हम लोग बाबा साहब की जयंती यहाँ पर मना रहे थे और जब मना रहे थे उस समय भारत से एक न्यूज़ आई कि किसी शादी में एक शेड्यूल कास्ट का आदमी टेबल पर बैठकर उसने खाना खाया, इसलिए उसको मारा गया। ये सारी बातों को हम भारत के बाहर से उठा रहे हैं। भारत के बाहर यहाँ पर जो लोग भारत के बाहर यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे ब्राह्मणों के लोग हैं। हमारे यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व और जो जो बातें कही जा रही है, ये सारी ये बताया जा रहा है कि हम सारे हिंदू हैं और भारत में हम सब खुश हैं, इस तरह से बातें यूनाइटेड नेशन में रखी जा रही है। इन सारी बातों को मैंने यहाँ पर आकर रखा है। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक लिबरल लिबर्टी यहाँ पर है, डेमोक्रेसी यहाँ पर है और सही मायने में बाबा साहब यहाँ पर 1913 से 1915 तक बाबा साहब ने यहाँ पर पढ़ाई की। एमए की पदवी बाबा साहब को इसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिली और मुझे आप लोगों को बताते हुए आनंद हो रहा है कि 104 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़ा करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पर बैठा करते थे, उस यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर देने का मौका यहाँ पर मिला। यहाँ के अम्बेडकराइट लोग और यहाँ के सिखों ने मुझे बहुत प्यार यहाँ पर दिया और कल जैसे ही मैं इंडिया पहुँचूँगा, परसों मैं जा रहा हूँ वियतनाम। मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत मायूसी हो रही है, वियतनाम में बौद्ध परिषद हो रही है,
पूरे विश्व के बुद्धिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं, और जो यूनाइटेड नेशन ने मेरे साथ जो करस्पॉन्डेंस किया है, मेल किया है, उन्होंने मुझे डेलीगेट्स कौन कौन है वो सारी लिस्ट मुझे भेजी है। 113 कंट्रीज वहाँ पर होने वाली है, और भारत से बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वेंकैया नायडू। देखिए किस तरह से घुसपैठ हमारे साथ हो गई है। वेंकैया नायडू भारत के बौद्धों का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में करने वाला है, और जो व्यक्ति आरएसएस का है वो व्यक्ति भारत से बौद्धों का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। मेरे पास 61 डेलीगेट्स की लिस्ट है जो इंडिया से है। शर्मा, तिवारी, जोशी, इन लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है। वो बुलाया नहीं जाते, यहाँ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों को हमारे हक और अधिकार की लड़ाई भारत के बाहर से लड़नी होगी, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति खुद धक्के खा रहा है। वो हमको क्या न्याय देने वाला है, वो हमको क्या न्याय देने वाला है। मेरे इस काम को गौरव करते हुए पहली बार मेरे जीवन का पहला गोल्ड मेडल मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी की यूनिवर्सिटी में मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस की लड़ाई लड़ी, जहाँ से बाबा साहब के दिल में पहली बार बाबा साहब को उनके जीवन में इक्वालिटी क्या होती है ये इस न्यूयॉर्क की धरती पे पता चला कि समानता क्या होती है, उस धरती पर आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये मिशन मैं पूरे शिद्दत से चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। और यहाँ से कल मैं वियतनाम जाऊँगा, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, आज 14 देशों के लोगों ने मुझे यहाँ पर सुना, 14 लोग देशों के लोग, उनको मैंने हमारी बातें बताई किस तरह से हमारा एक बच्चा शादी के लिए घोड़ी तक नहीं चढ़ सकता, घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकता, घोड़ी पे बैठता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। ये बात यहाँ के लोगों को नहीं पता, वो हम सबको हिंदू समझ रहे हैं। यहाँ के सिख भाई मुझे कहते कि आपको बियर्ड्स नहीं है, आपको दाढ़ी नहीं है, तो हम समझे आप हिंदू हो, और हम इनको पगड़ी, भगवे पगड़ी में देखते हैं तो हम समझते ये हिंदू है। हम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक अलग रहे हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर जी की सही मूवमेंट यहाँ पर मुझे ये लोग चलाते हुए दिखाई दिए, और बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग मुझे साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि भारत की जो व्यवस्था इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की है, इस व्यवस्था को बचाने के लिए, इस व्यवस्था को बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। हम लोगों को अपनी जाति को छोड़कर, एक हमारे धर्म को छोड़कर, एक इंसान होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते, मुझे US में घूमते हुए कोई भी मुझे यहाँ पर क्रिश्चियन दिखाई नहीं दिया, कोई भी यहाँ पर मुझे मुस्लिम दिखाई नहीं दिया, कोई भी मुझे यहाँ पर जैन या कोई अलग अलग माइनॉरिटीज़ हो या अलग अलग धर्म के लोग हो, कोई नहीं दिखाई दिए। ये सारे के सारे अमेरिकन्स थे, चाहे वो रंग से गोरा हो या काला हो, सारे अमेरिकन थे। हमें भारत में ये नहीं दिखाई देता, हमें भारत में नहीं दिखाई देता। भारत की व्यवस्था आज भी मुझे महार कहती है, भारत की व्यवस्था आज भी मुझे जाति में अटका के रखती है, और इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा, इन जातियों से हमें बाहर निकलना चाहिए, और एक नेशनलिटी की भावना हम लोगों के दिलों में होनी चाहिए। भारत का संविधान ब्राह्मणों को भी उतना ही अधिकार देता है, तो भारत का ब्राह्मण भारत के संविधान को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आता? भारत का संविधान मुसलमान को भी उतना ही ताकत देता है, क्रिश्चियन को भी उतना ही ताकत देता है, सिख को भी उतना ही ताकत देता है, जितना एक बौद्ध को देता है। तो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई केवल एक ही इंसान की है, और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, एक बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा कर गए, हम करोड़ों भारतीय मिलकर क्या एक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते? और इसलिए आज मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क से लौट रहा हूँ। दरअसल आज यहाँ पर मुझे वाईफाई की रेंज मिली, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लाइव हो सका, वरना कंटिन्यूसली मैं 5 दिन पूरे न्यूयॉर्क में यहाँ पर लोकेशंस घूमने नहीं आया था। मुझे यहाँ के लोग कह रहे थे कि और 15 दिन रुको, हम आपको न्यूयॉर्क दिखाते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पर लोकेशन देखने नहीं आया, मैं यहाँ पर मूवमेंट खड़ी करने आया हूँ। आप मूवमेंट के लिए बात करो, मुझे जितने भी गुरुद्वारा यहाँ पर है, जितने भी हमारे सिख भाई है, उनसे लगातार रात के 1-1, 2-2 बजे तक, सुबह 5 बजे उठकर, 6 बजे उठकर हम लोग ये मीटिंगें कर रहे थे पूरे न्यूयॉर्क के लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ, भारतीय वंश के लोगों के साथ हम लोग ये मीटिंग कर रहे थे। और इसी माध्यम से जस्ट पंजाब नाम का
14 देशों में दिखने वाला न्यूज चैनल वो मुझे आमंत्रित करता है, लेकिन आज तक कभी मुझे जी न्यूज हो, आज तक हो, इंडिया टुडे हो, कभी मुझे आज तक उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं दिया। आज भी मैं वहां पर बहुत बड़े मायने में एक जाति का तबका हूं, और इसलिए मुझे आप लोगों को जाति व्यवस्था से बाहर निकालना है, इस जाति व्यवस्था को हम लोगों को ख़त्म करना है, ये काम हम लोगों को करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार में जन्म लेना ये बड़ी बात नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे चलना ये बड़ी बात होती है। और मुझे गर्व है, मैं केवल अम्बेडकर परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं अम्बेडकराइट हूँ, इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है। और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि इस मोमेंट को चलाने के लिए आप अगर समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे विरोध में तो काम मत कीजिए। इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि भारत में जैसे ही ये बात पता चली है कि मुझे यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गुरु रविदास सभा के गुरुद्वारा में सम्मानित किया गया, और वो भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, कुछ हमारे भक्तगण हमारे लोगों में भी है, मोदी भक्त से खतरनाक तो हमारे भक्त है, वो लोग गलत अफवाहें फैलाना और ये सब बातें करना, ये सब बातें शुरू करती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं भी बाबा साहब के इस मिशन को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, चलाने का काम कर रहा हूँ। आप अगर समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम हम जो काम कर रहे हैं उसको, उस काम को बढ़ाने के लिए, उस काम को आगे लेके जाने के लिए, आप कम से कम हम जो कर रहे हैं वो देखने का तो काम कीजिए। मैं आने वाले, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को जो अधिकार दिए हैं, ये भारत की व्यवस्था से एक तिनका भर भी अधिकार बाबा साहब ने भारत की व्यवस्था पर व्यवस्था से नहीं मांगे। बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, साइमन कमीशन हो, साउथ ब्यूरो कमिटी हो, जो भारत के बाहर के लोग थे उनसे बाबा साहब ने अपने अधिकार मांगे हैं, और यही लाइन ऑफ एक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट हो, UNDV हो, और ये सारे संगठनों जहाँ पर मोदी जाता है, जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री जाता है और गलत बातें करता है, वहाँ पर उसको पकड़ने का काम हम करेंगे। ये काम लेकर हम चल रहे हैं। आप ने मुझे सुना यहाँ फेसबुक लाइव पे, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सुना, और तहे दिल से मुझे पूरे भारत से सभी लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे हो, मेरे फेसबुक पे हो, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस और हार्दिक कामनाएं मुझे भेजी। सभी लोगों को मैं इंडिविजुअली धन्यवाद नहीं दे पा रहा, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और बाबा साहब के इस मिशन को चलाने में आप लोग मेरा साथ सहयोग करेंगे, यही विश्वास और आशा रखता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध, और थैंक यू फॉर बाबा साहब अम्बेडकर के काम करने के लिए, ये सम्मान मुझे दिया उसके लिए मैं सभी अम्बेडकरवादियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।